प्यार, हमारे जीवन में प्यार भगवान का दिया हुआ ऐसा तोहफा है जो लाइफ को स्वर्ग बना देता है, पर जब धीरे धीरे यही प्यार नफरत में चेंज होने लगता है तो वही स्वर्ग नर्क में चेंज हो जाता है। फिर स्टार्ट होता है एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना और ब्लैकमेलिंग करना। दोस्तों आज की वीडियो भी हम ब्लैकमेलिंग पर ही लेकर आए हैं। मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टू मंत्रा। इससे पहले भी हमने ब्लैकमेलिंग पर कई वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे है, जैसे कि कोई वीडियो दिखा के या कोई लड़की वीडियो न्यूड चैट करके आपको ब्लैकमेल कर रही है तो उसका सॉल्यूशन हमने इसमें दिया हुआ है। आज की जो ब्लैकमेलिंग का टॉपिक है वो है रिलेशनशिप में ब्लैकमेलिंग। अक्सर देखा गया है कि आज का जो युग है वो एक इलेक्ट्रॉनिक युग है जिसके अंदर हर कोई रिलेशनशिप में रहना पसंद करता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हर कोई रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा चलता है, सारी चीजें पॉजिटिव होती है, बट धीरे धीरे जब निगेटिव चीजें सामने आने लगती है तो तब स्टार्ट होती है फाइट, झगड़ा, एक दूसरे को ब्लेम करना, ब्लैकमेलिंग करना। दोस्तों रिलेशनशिप में ब्लैकमेलिंग टू टाइप्स की होती है। एक ब्लैकमेलिंग होती है इमोशनल ब्लैकमेलिंग और एक ब्लैकमेलिंग होती है साइबर ब्लैकमेलिंग। इमोशनल ब्लैकमेलिंग में कहा जाता है कि देखो हम पहले कितने अच्छे से रहते थे, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए इतने गिफ्ट दिए, मैंने तुम्हारी वहाँ पे हेल्प की, मैंने तुम्हारी यहाँ पे हेल्प की, अब तुम ये नहीं कर रही हो, वो नहीं कर रही हो। बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो सामने वाला बोलता है और पूरी ट्राई करता है किसी तरह इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर ले, बट वहीं दूसरा बंदा उस रिलेशनशिप में अपने आप को फिट नहीं देखता है, वो कहीं ना कहीं उसका दम घुट रहा होता है उस रिलेशनशिप में और जल्दी से जल्दी उसको फिनिश करना चाहता है। सेकेंड जो टाइप होती है ब्लैकमेलिंग की वो साइबर ब्लैकमेलिंग है। ये बड़ी डेंजर ब्लैकमेलिंग है और ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा मेरे पास में मेल्स और इंस्टाग्राम पे लोग जुड़ रहे हैं इसको लेके, ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसका रीज़न ये है कि आज का जो युग है इलेक्ट्रॉनिक्स युग है, हर कोई फ़ोन पे चैट करना पसंद करता है, हर कोई वीडियो कॉल पसंद करता है, हर कोई कॉलिंग पे रहता है और इन्हीं सब उपकरणों के थ्रू हम वो गलती कर जाते हैं जो हमें कभी करनी नहीं चाहिए। यानी कि कुछ ना कुछ न्यूड फोटो शेयर करना, न्यूड वीडियो कॉल करना या कुछ भी कसमें खानी, ये करना वो करना, ये सारी चीज़ें हम शेयर कर देते हैं जिससे कि आपका एक जो निगेटिव पॉइंट है वो सामने वाले के हाथ में लग जाता है और यही वो पूरी जो मुसीबत की जड़ है यहीं से स्टार्ट होती है। क्योंकि जब रिलेशनशिप टूटता है तो उसमें सामने वाला इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाता है और कहता है कि ये देखो ये सारी वीडियो ये सारे फोटो मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, तुम्हारे घर दे दूंगा या ये दे दूंगी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, ये नहीं किया वो नहीं किया, सब तरह की बातें। ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है ना, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ें पता होंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा इमोशनल ब्लैकमेलिंग की। देखो इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आप सामने वाले को समझा सकते हैं कि देखो जब हमारी थिंकिंग मैच कर रही थी तो हम आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए थे, बट अभी हमारी थिंकिंग मैच नहीं कर रही है तो हमें ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, तुम अपनी लाइफ देखो मैं अपनी लाइफ देखती हूँ, देखता हूँ। ओके अगर वो तब भी नहीं मान रहा है तो सेकंड स्टेप आता है कि वो बंदा क्या करता है, इमोशनली मरने की धमकी देगा, मैं मर जाऊंगा, नस काट लूंगा या काट लूंगी, फांसी लगा लूंगा, जहर खा लूंगी, व्हाटएवर सब कुछ। इस कंडीशन में क्या होता है, सामने वाला वो डर जाता है यार कहीं मर ना जाए या कहीं ये ना हो जाए। देखो आपको स्ट्रोंग बन के रहना, और ज्यादा से ज्यादा जब भी वो आपको ये चीजें करें तो आपको ना उसको मनाना नहीं है, क्योंकि ये ना चीजें तभी होती है जब सामने वाला मनाने के लिए बैठा। मैं बोल रहा हूँ मैं नस काट रहा हूँ, सामने वाला कह रहा है नहीं बाबू मुझे नस मत काटना, ये मत करना, वो मत करना, और कहेगा नहीं मैं तो दूसरे हाथ की भी काट रहा हूँ। फिर आप बोलोगे नहीं 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 बिल्कुल मत करना, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ या जोड़ती हूँ, ये ऐसा मत करो वैसा मत करो, वो कहेगा मैं तो फांसी भी लगा रहा हूँ। तो भाई आप उसको इस लेवल पे लेके क्यों जा रहे हो, ताकि उसको ये लगे कि इसको फर्क पड़ रहा है मेरे दुखी होने से। आप उसको ऐसा फील करा दो कि मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो फांसी लगा रहा है, जहर खा रहा है, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, और ये रहे मेरे पास में प्रूफ, मैं जब मना कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो क्यों मेरे साथ में बार बार मुझे परेशान कर रहा है। तो आपको बिल्कुल भी मनाना नहीं है। थर्ड स्टेप आपको क्या लेना है, आपको उसके दिमाग में दिल में अपने लिए एक ऐसी नफरत सी पैदा करनी है, कुछ भी आपको ऐसा करना है कि वो ये कहे कि जा भाड़ में जा, मैं भी नहीं मानता हूँ तेरी बातें। अब अगर आप बहुत अच्छे बन के रहोगे, बहुत अच्छी चीज़ आप सारी चीज़ें दिखाओगे कि देखो मैं इतना अच्छा कर, क्या जरूरत है भाई आपको करने की, आप उसको डांट दो या कुछ भी कर दो, कि कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप आप उठाओ कि जिससे वो ये कहे कि जा मैं भी तेरी और को नहीं देखूंगा या देखूंगा। ठीक है, ये तीन स्टेप आपको करने, वो आपको सोचने की कंडीशन आपके, मैं उसमें अभी मैं एक जनरल सी बात बता रहा हूँ, अगर इसमें आपको एडवाइस लेनी है तो भाई इंस्टाग्राम के आईडीज हमने नीचे दी हैं, आप मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, वहां से हम
इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। सेकंड स्टेप आता है साइबर ब्लैकमेलिंग, जिसमें लड़का या लड़की आपके न्यूड फोटो, वीडियो कॉल या कुछ भी एविडेंस अपने पास में रखता है और ये बोलता है कि देखो या तो मेरी बात मानो या फिर मैं इन चीजों को पब्लिक करने वाला हूँ या करने वाली हूँ या तुम्हारे घर दिखाने वाली हूँ। अब उसके हाथों उन आप मजबूर हो जाते हो और वो घुट घुट के जीना स्टार्ट कर देते हो, या तो उसकी बात मानो या फिर भाई ऐसे बदनामी आएंगी, क्योंकि इसमें बदनामी का डर रहता है कि सामने वाला बता देगा देखो मेरी कितनी बदनामी हो जाएगी। देखो भाई जो गलती की है उसकी सजा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल भी आप बच जाओगे, बट ये हो सकता है कि हाँ वो थोड़ी सी सजा आपको लाइफ टाइम की सजा से बचा सकती है। कुछ दिन की सजा, कुछ दिन क्या कर सकते हैं, घर वाले आपको डांट सकते हैं, मार पीट सकते हैं, ये कर सकते हैं, जितना गुस्सा करना है कर लो, वो कितने दिन करेंगे, एक साल, एक महीना, जो भी है, बट लाइफ टाइम की बिल्कुल नहीं। एक बार अगर आप ब्लैकमेल हो गए तो हो सकता है वो और बड़े कुछ काम करे, हो सकता है और कुछ बड़ा काम करे। इसलिए सबसे पहले आपको अपने घर वालों को फेवर में लेना, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, अपने घर वालों को किसी को तो आप फेवर में लीजिए, अपने मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, दोस्तों को, किसी ना किसी को आप अपने फेवर में लीजिए और सारी कंडीशन बता दीजिए। दूसरी बात ये कि आप उसके सारी चीजें कलेक्ट करके रखिए अपने पास में जिसमें वो ब्लैकमेल कर रहा है, और उसको फिर सबसे पहले तो आपको समझाना है कि भाई देखो ये रहे मेरे पास में एविडेंस, आई एम गोइंग टू पुलिस और ये सारी चीजें मैं वहां पे बताने वाला हूँ या बताने वाली हूँ। साइबर क्राइम में जो अपराध है वो बड़ा ही बड़ा अपराध माना जाता है। सेकेंड आपको क्या करना है, सारे एविडेंस कलेक्ट करके रखने हैं और उसको फिर आप अपने ओर से फोन कीजिए कि अगर तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो तो ये देखो सारे एविडेंस, ये मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और उसको लेके आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, मेरे पीछे क्यों पड़े हो भाई, मैं तुम्हें बर्बाद, अगर मैं बर्बाद हुई या हुआ तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ये चीजें करना सर। इसमें मैं कहता हूँ कि 50-60% लोगों तो वैसे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी अगर इस टाइप का काम कर रहा है तो प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, वो सिर्फ एक ना समझ में काम कर रहा है। वो कितना भी विकराल रूप दिखा रहा हो अपना कि मैं ये कर दूंगा, मैं किसी से नहीं डरता, मैं पुलिस से नहीं डरता, मैं घर वालों से नहीं डरता, भाई सब डरते हैं, क्योंकि पुलिस से वो इसलिए बोल रहा है नहीं डरता क्योंकि पुलिस के हत्या आज तक चढ़ा नहीं है। जिस दिन पुलिस के हत्या चढ़ेगा ना उसके घर वालों को भी खींच के लेके जाएगी पुलिस, जब उनके इसमें आएंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो ये एक ट्रेलर आप उसको दिखा सकते हो कि अपने साथ साथ अपने घर वालों की भी क्यों लाइफ खराब कर रहे हो, अब पढ़े लिखे हो यहाँ तक आए हो, इसके बाद लाइफ के आगे 4-5 साल तुम जेल में बिताना है तो तुम्हारी मर्जी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है। और भाई थर्ड स्टेप ये है, अगर वो तब भी नहीं मानता है सो जस्ट गो टू द पुलिस, आप सीधा जाइए FIR कीजिए, आपकी कोई बदनामी पुलिस नहीं करेगी, आपकी ID, आपका फेस, आपकी वीडियो सब कुछ सेव करके रखेंगे, वो पब्लिक नहीं करती है और इस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, मेरी यही है एडवाइस है, इन चीजों को टॉलरेट नहीं करना चाहिए, डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। रिलेशनशिप टूटती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स होते हैं, 10-10 साल 20-20 साल बाद डाइवोर्स होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। थिंकिंग हमारी मैच हो रही है तो हम साथ में, अगर हमारी थिंकिंग मैच नहीं हो रही है तो सीधी सी बात है हम किसी के साथ भी रिश्ता तोड़ सकते हैं। इसमें कोई कानूनी वो नहीं है कि रिश्ता क्यों बनाया, क्यों तोड़ा, कुछ भी हुआ, तो इन चीज़ों को आप टॉलरेट मत कीजिए, ये स्टेप उठाइए। और मैं उन लोगों को भी एडवाइज करता हूँ जो अभी नए नए हैं, इस चीज़ों का शिकार नहीं हो रहे हैं, तो मैं जो भी मेरे भाई बहन हैं उनको मैं एडवाइस करता हूँ कि प्लीज़ प्यार में ऐसी गलतियाँ ना करें जो बाद में आपको भुगतना पड़े। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।